मासून एजेंसी कोट रोड सदर जंग की तरफ से मुंशी खान हरियाणा जुबान में एक सांग पेश करता है, तो सांग होगा लकड़ी आरेगा, मुलाजा कीजिए। हेरे जोधपुरी शेर के बीच में हो गेरा जोधनाथ महाराज, होगे जोधनाथ महाराज यारी इर रईत पैचरदारी थी, कर था वो राजी धर्म का घर पे सुंदर शिर नारी थी। अब जोधपुरी शहर के बीच में एक जोधनाथ बादशाह, उसका एक रानी, उसका नाम था रूपानी, ना कोई लड़का ना कोई लड़की। अब एक दिन का जिक्र है, रानी बिन्ने 20 दिन का समेत थी और बादशाह ने कोई लम नहीं था इस चीज का। शाम का टाइम रोटी पानी खाकर दोनों जने राजा और रानी चौपर सारे खेलने लग जाते हैं। खेलते खेलते रात के 12 का टाइम हो गया। जंगल में गिद्दड़ बोले, बादशाह कलंग रानी बोली, हाँ महाराज क्या बोलते हैं जी गिद्दड़? बोला नहीं अकोर शेर। बोले नहीं साहब गिद्दड़, अब दोनों की बहस होगी। बहस होने के बाद बादशाह बोला, जो गिद्दड़ तो 12 साल से छोटा मने और जो शेर तो 12 साल से छोटा तने। कहेंगी मंजूर से साहब। अब बादशाह जाकर अपना राम तो सो गया और रानी है श्याम होगी। रानी ने शाब लगा दिल में, जब बादशाह तो छोटे में चला गया इसका राज बर्बाद हो जाएगा, तेरा भी गाह कोई और कोई हो जाएगा, तू ऐसा काम करे, तू तो छोटे में चली गई रानी तो और भी आ जाए, इसका राज तो बना बना रह जाएगा। अब परेदार इकट्ठे करके कह लेंगी, भाई क्या बोल रहे थे जी गिद्दड़? हर जब बादशाह सुबेरे पूछा, क्या बताओगे? अब जी गिद्दड़, अब जिसने कितना नाम ले दिया बच्चा को लूम पिटवा दूंगी सबका। अकोर तुम कह दियो शेर बोल रहे थे। अब जी बहुत अच्छा। अब सुबेरे बादशाह ने कचहरी भरपूर करके अपने नौकर बुला के और पहरेदारी भी बुलवा ली, पर्दे खिंचवा कर रानी भी बुलवा ली। कहेंगे अरे पहरेदारो, बोले हाँ साहब, रात के 12 बजे के बोल रहे थे? अब जी शेर। कहा रानी? बोली हाँ महाराज, जाओ 12 साल से छोटा मत ना लावा देर। कहेंगी छोड़ साहब, इन बातें के लेगा? बोला नहीं। अब राजा ने उसका हाथ पकड़ के और दरवाजे से बाहर काट दिया, 12 साल से छोटा लिख दिया कि इसी टाइम मेरे राज से बाहर हो जा। अब रानी जंगल का रास्ता पकड़ती है और वो हर क्या कहती है, बोली अरे रूपानी वा घर से चली फिर रोवती गई, किसने कहूं कौन सुन जाने वो फंदे में पई, रूपानी जब घर से चली फिर रोवती गई, किसने कहूं कौन सुन जाने वो फंदे में पई। लाखी आज मेरी योगी रे रे मसी, यू बोली आज मेरी योगी रे रे मसी, हर मैं को ना घर पे राखी ना बाकी यो बात मोरी, कितने कहूं कौन सुन जाने वो फंदे में पई। बिन खोटे बता मैं किसकी ले लूं ओटे, नू बोली बता मैं वो किसकी ले लूं ओटे, और लगेगा तुम्हें छोटे मेरे पे सही नौ गई, किसने कह दूं कौन सुन जाने वो फंदे में पई। ठानी आज मेरी आँखा में आ गया पानी, नू बोली आज मेरी आँखा में आ गया पानी, हर उसके आजा दूसरी रानी यो याद ना रही, किसने कहूं कौन सुन जाने वो कंधे में पई। ठा लाई
आज मैं भरती फिरूं तवाई, यूं बोली आज मैं ओ भरती फिरूं तवाई, अरे मुनसे खान ना पार बसाई, ओ जाते नौ रही किसने कह दूं कौन सुन जाने वो पंडे में पई। रूपानी जब घर से चली फिर रोती गई, किसने कह दूं कौन सुन जाने वो पंडे में पई। अब वो रानी कंजली बन में पहुंच जाती है और वहां पर एक फकीर रहा करा था जंगल में, और फकीर भी ईमानदार था। जाकर उसने दुआ सलाम करी, कलंगे आओ बेटी क्या नाम से के गांव से की ताई किस्मत लमत तू फिर जंगल भी आबान में, कोई चित्ता शेर वगैरह खा लेगा बहुत मुसीबत की बात है, और इस हालत में तू ऊँ भी अल्लाह चार है। कलंगी बाबा जी मैं बहुत दुखिया। कैसा दुख है बेटी तुम्हें? अब फकीर के सामने अपना दुख रो है और क्या कहती है। बोली तेरे पास में आ गई ओ बाबा बहुत घनी लई हारी ओ सुन ले मेरी पुकार। तेरे पास में आ गई ओ बाबा बहुत घनी लई हारी ओ सुन ले मेरी पुकार। खान है पैर मेरा।
तारे धरंगा सिंगारे ओ सुन ले मेरी तू कंगारे करे पास में आजियो बंगा बंगा बहुत घनी लई हमारे ओ सुन ले मेरी तू कंगारे। अच्छा तू राजा की रानी दे छोटे में बोली हाँ बाबा जी मैं तो छोटे में हूँ कहना बेटी। हाँ कहाँ एक काम करना पड़ेगा। वो क्या? यहाँ से माधोपुर शहर एक 3 मील पर है। अच्छा इस जंगल से लकड़ी तोड़ के और अपना शहर में बेचती रहो और अपनी गुजर करती हो। कहेंगी बाबा जी हाँ कहाँ तना मैं अपनी बेटी भी बना ली फिर भी लकड़ी बेचनी पड़ेंगी। हाँ बेटी मुसीबत में पता नहीं क्या क्या करना पड़ जाता है। कहेंगे अच्छा जो कुदरत ने लिख रखी वो ही मेरे साथ बनेगी कोई बड़ी बात नहीं। अब जेठ का भी न था रानी ऐसा में थी अलातार थी भी और जंगल से लकड़ी तोड़ के और अपना माधोपुर शहर में बेचने के लिए चलती है और रास्ते में क्या मामला गुजरता है। हाँ, बोली शर पे भरो काटे पीटी चले डर लिया गर्मी में यला संगार धूप गणी जेठ कियो जिसा मिल जावे साशी ना सरदे न्यू बोली जिसा मिल जावे साशी ना सरदे ओ मर्द जला ने सतर लिया करे जो बहु न ले घर से बंगारे तारे गैनी देख की ओ पति ने आप दिया बणो पासे न्यू बोली पति ने आप दिया बणो पासे अरे सांस सबर कंगा भर लिया न्यू रोई दार बेजमार बात यारे शेख कियो आनंद आज तेरे कट जा जम के फंदे न्यू बोली आज तेरे कट जा जम के फंदे रे लक्ष्मी चंद्रट हर लिया आज भी ओणी करे से करंगा बया पैरो के सेठ कियो हो संग अब रानी जंगल से लकड़ी लेकर
और अपना माधोपुर शहर में पहुंच जाती है।